अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिली गार्लिक बाइट्स, जो कि हम शाम की चाय के साथ बना के बॉक्स में रख सकते हैं और शाम की चाय के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें 1 कप जो है वो चावल का आटा लिया है मैंने, 1 कप चावल का आटा है। और इसमें जो है वो 2 टीस्पून मैं इसमें बेसन डालूंगी। इसमें मैंने बेसन डाला है और इसके बाद जो है इसमें नमक डालूंगी मैं टेस्ट के मुताबिक। आप भी अब नमक टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। चिली फ्लेक्स डालूंगी 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डालूंगी 1 टीस्पून। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1/2 टीस्पून जो है वो मैं ब्लैक पेपर डालूंगी। दही डालूंगी इसमें मैं 1 कप। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें और इसके बाद फिर मैं इसमें दही डालूंगी। दही डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये मैंने 2 टीस्पून हरी मिर्चें ली थी और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये भी मैं इसमें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अगर ज़्यादा जब स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा सा 2 से 3 ले लीजिएगा। मैंने 2 बड़ी ली थी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। 1 कप मेरे पास पानी है, नॉर्मल पानी जो होता है वो नॉर्मल पानी लिया है मैंने इसको, और इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें, गुठलियाँ रहेंगी तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हम पहले इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला था। अच्छा, चिली गार्लिक बाइट्स है तो हम गार्लिक डालेंगे। अगर आपको साबुत गार्लिक पसंद है या बच्चों को पसंद है तो आप साबुत चॉप करके डाल सकती हैं। मुझे पसंद नहीं है, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं पाउडर डालूंगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर डालूंगी ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इसका। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्राई पैन मेरा गरम हो रहा है, अब मैं इसको इसमें पकाऊंगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसको, फ्राई पैन मेरा गरम हो रहा है, अब मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी। और इतनी देर मैंने पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। गर्म हो चुका है। अब मैं ये जो हमने बैटर बनाया था ये मैं इसमें डाल रही हूँ और मैं इसमें मुसलसल, मैं इसमें इसको छोड़ना नहीं है, मैं मुसलसल इसमें हिलाती रहूँगी। मैंने जब तक हिलाना है कि ये जब तक गाढ़ा ना हो जाए। देखिए, ये मैंने ठंडा किया है मैंने और ये इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसको हाफ लूंगी,
इसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है ताकि चिपके नहीं। थोड़ी सी मोटी तरह रखेंगे हम। डालते के साथ ही आपने स्पून या कोई इस तरह का हिलाना नहीं है, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसको हिलाएंगे, एक तरह से जब गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसकी शेप जो है वो चेंज कर देंगे। स्नैक तैयार हो गए, मैंने गोल्डन फ्राई करके निकाले हैं और आप भी इसी तरह से बनाइएगा। थोड़े से स्पाइसी हैं, मज़े के हैं, ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।